ब्रॉट टू यू बाय इनफिनिक्स। न्यूज़ क्लिक मामले में प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। उन्हें UAPA के तहत 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। अगले दिन 4 अक्टूबर की सुबह उन्हें जज के सामने पेश किया गया। प्रबीर पुरकायस्थ न्यूज़ क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक हैं, वहीं अमित चक्रवर्ती न्यूज़ क्लिक के ह्यूमन रिसोर्स प्रमुख हैं। दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर की सुबह इन दोनों के साथ न्यूज़ क्लिक के 40 से ज़्यादा पत्रकारों के घर छापेमारी की। ये पत्रकार किसी न किसी तरह से न्यूज़ क्लिक के साथ जुड़े रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस मामले में कुल 37 पुरुष और 9 महिला संदिग्धों से पूछताछ की गई, साथ ही उनके लैपटॉप, मोबाइल, दस्तावेज आदि जब्त कर लिए गए। न्यूज़ क्लिक पर चीन के प्रोपेगेंडा का प्रचार प्रसार करने के लिए एक अमेरिकी अरबपति से पैसे लेने का आरोप है। छापेमारी के बाद दिल्ली पुलिस ने न्यूज़ क्लिक के दफ्तर को भी सील कर दिया। आज तक से जुड़े अरविंद ओझा की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने मंगलवार को ये छापेमारी दिल्ली, नोएडा और गाज़ियाबाद में बड़े पैमाने पर की है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत मामला भी दर्ज किया है। ओझा के मुताबिक छापेमारी के दौरान दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक सबूत, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन जब्त किए हैं। इसके अलावा कई कंप्यूटर हार्ड डिस्क का डेटा भी पुलिस अपने साथ ले गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वरिष्ठ पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता, अभिसार शर्मा, भाषा सिंह और मलेश, प्रबीर पुरकायस्थ, आनंदो चक्रवर्ती और इतिहासकार सोहेल हाशमी से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद इन्हें छोड़ दिया गया। अब आपको बताते हैं इस पूरे विवाद की शुरुआत कैसे हुई। ये पूरा विवाद 5 अगस्त को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के बाद शुरू हुआ था। NYT ने अमेरिकी बिजनेसमैन नेवल रॉय सिंघम के बारे में रिपोर्ट छापी। बताया कि नेवल रॉय किस तरह दुनिया भर की संस्थाओं को फंड करते हैं जो चीनी सरकार के प्रोपेगेंडा टूल की तरह काम करती हैं। रिपोर्ट बताती है कि सिंघम खुद शंघाई में रहते हैं। पिछले महीने उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के वर्कशॉप में भी हिस्सा लिया था, जिसमें पार्टी को दुनिया भर में फैलाने की चर्चा हुई थी। नेवल रॉय सिंघम NGO, शिक्षण संस्थानों, मीडिया संस्थानों को फंड करने को लेकर चर्चित हैं। 69 साल के नेवल समाजवादी चिंतक और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में प्रोफेसर रहे आर्चिबॉल्ड W. सिंघम के बेटे हैं। 1991 में आर्चिबॉल्ड का निधन हुआ था। उन्हें आर्ची सिंघम भी कहा जाता था। आर्ची मूल रूप से श्रीलंका के रहने वाले थे। साम्राज्यवाद के खिलाफ उन्होंने कई किताबें भी लिखी। बेटे नेवल रॉय सिंघम ने शिकागो में IT फर्म की शुरुआत की थी। उन पर बहुत पहले से चीनी सरकार को प्रमोट करने वाले संस्थानों को फंडिंग करने का आरोप लगता रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रॉय सिंघम का ग्रुप कई फ्रंट्स पर चीनी सरकार के कामों का प्रचार करता है। अखबार लिखता है कि कॉर्पोरेट फाइलिंग से पता चलता है कि नेवल रॉय सिंघम का नेटवर्क भारत में एक न्यूज़ वेबसाइट न्यूज़ क्लिक को फंड करता है। अखबार ने न्यूज़ क्लिक का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि वेबसाइट में चीन की सरकार का काफ़ी कवरेज है। जैसे एक वीडियो में वेबसाइट कहती है, चीन का इतिहास मजदूर वर्ग को अभी प्रेरित कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट में न्यूज़ क्लिक के खिलाफ भारतीय एजेंसियों की छापेमारी का भी जिक्र किया। बताया कि अधिकारियों ने तब आरोप लगाया था कि वेबसाइट का संबंध चीन की सरकार से है, लेकिन कोई सबूत पेश नहीं किया गया था। इन आरोपों पर रॉय सिंघम ने ईमेल से NYT को जवाब दिया था कि जिन देशों में भी उनका काम है वहाँ वे टैक्स कानूनों का पालन करते हैं। ईमेल में उन्होंने बताया था कि मैं इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करता हूं कि मैं किसी पार्टी का सदस्य हूं या उसके लिए काम करता हूं या किसी से आदेश लेता हूं, मैं सिर्फ अपने विचारों से चलता हूं। न्यूज़ क्लिक ने भी इन आरोपों पर जवाब दिया था। 7 अगस्त को एक बयान जारी करते हुए संस्थान ने कहा था कि उन पर लगाए गए आरोप झूठे और आधारहीन हैं। आपके लिए तमाम जानकारी इकट्ठा की है हमारी साथी प्रज्ञा ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है, आप देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया। दिल्ली में होने जा रहा है लल्लन टॉप का पहला सेहत अड्डा। तारीख है 6 अक्टूबर। अगर आप इस अड्डे में आना चाहते हैं, लाइव ऑडियंस का हिस्सा बनना चाहते हैं, डॉक्टरों से सवाल पूछना चाहते हैं, हम लोगों से संवाद करना चाहते हैं, क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर आखिरी में हंसी के ठहाके स्टैंड अप कॉमेडी देखना चाहते हैं, तो फटाक से डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए। आई विल सी यू देयर। लल्लन टॉप सेहत अड्डा को पावर्ड बाय नारायणा हेल्थ एंड ओली फार्मा।